हमारे किसान बंधु हैं रोहन महाजन जी जो बुरहानपुर से हैं, और श्री कमलेश पाटीदार जी बेडवी से, और मिस्टर मनोज पाटीदार जी वो भी बेडवी से हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा संक्षेप में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कुंदन के साथ में, जो कुंदन प्रोडक्ट आपने यूज किया है प्लीज। भारत इंसेक्टर एक्ट के सभी मंत्रियों का सम्मान करता हूँ। जो कुंदन प्रोडक्ट है उसमें जो मतलब बरसात के दिनों में जो पौधे की वृद्धि रुक जाती है उसको डालने के बाद उसमें जो नई जोड़ों का भूटा होता है और पौधे की बहुत अच्छी होती है, जो सफेद जड़ें आती है जो कि नीचे से न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करने का काम करते हैं वो अच्छे तरीके से होता है और पौधे की वृद्धि अच्छी होती है, नंबर ऑफ लीफ भी ज्यादा निकलती है, जो पत्ते की चौड़ाई होती है उसमें भी ज्यादा फर्क पड़ता है और पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। अच्छा प्रोडक्ट है और मैंने इसको 2 किलो डाला था, मेरे यहाँ 25 एकड़ खेती है, तो सर इसके अच्छे रिजल्ट मुझे मतलब मैंने ट्रायल बेस पे पहले डाला था, तो मतलब आधे खेत में डाला था और आधे खेत में नहीं डाला था, तो उसके बाद जो डिफरेंस हुआ सर वो डालने के बाद समझ में आया कि जो जिसमें नहीं डाला था उसकी वृद्धि इसी की इसी थी और जिसमें डाला उसकी वृद्धि अच्छी थी, जड़ों का विकास अच्छा हुआ था और लीफ की संख्या भी ज्यादा थी और लीफ की जो पत्ती की चौड़ाई है वो ज्यादा हुआ था सर। मैंने इसका उपयोग केले की फसल में किया था सर। सभा में उपस्थित सभी सदस्य गणों का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमें सम्मानित करने का अवसर प्रदान किया। मैं कमलेश पाटीदार ग्राम पेड़ी से हूं। सबसे पहले तो मैंने कुंदन का प्रयोग एक डेमो के द्वारा किया था, मुझे संदीप ने किया था, टोमेटो में किया था मैंने, 1 एकड़ क्रॉप के द्वारा मैंने इसका एक किया था, उसमें 2 लाइन मैंने इसकी ब्रेक कर दी थी, उसमें फर्टिलाइजर को नहीं दिया था क्योंकि 7 to 8 days इसमें मुझे अच्छा ग्रोथ लगा, लीफ ब्रांचिंग अच्छी आई, उसके बाद लीफ का जो ब्रॉडनेस वो अच्छा आया है, नंबर ऑफ फ्रूट्स, नंबर ऑफ फ्लोरिंग उसके बाद अच्छा आया। इसके नेक्स्ट सेकंड मैंने इसमें वाटर मिलन क्रॉप में मैंने इसको पर एकड़ 100 grams डीप से मैंने इसको अप्लाई किया था आफ्टर जर्मिनेशन 40 to 15 days और सेकंड मैंने इसका 25 days यूज किया था इसके, तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट लगे थे, पौधे का फिगर बना था उसमें, नंबर ऑफ जड़ की संख्या ज्यादा आई थी उसमें, जो व्हाइट फ्रूट्स आती है उनका इसमें ज्यादा आया था। ओवरऑल अगर मैं सजेशन करना चाहूँ तो मेरे तरफ से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, धन्यवाद। मेरा नाम मनोज पाटीदार है, मैं साथ में ग्राम पेड़ी से बिलोंग करता हूँ और सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे कि भाई कमलेश भैया ने बताया, इन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप भी कुंदन का उपयोग कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस चीज का, और मैंने भी करेले जैसे हुआ अपना खरबूजा हुआ इनमें उपयोग किया और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला इस चीज का। थैंक यू। आपने थोड़ा मेरे को बताइएगा कि आपने ये तो बताया कि सिम्टम क्या दिखे आपको कि आपका ग्रोथ अच्छा था, जड़ें अच्छी थी, न्यूट्रिएंट आपकी अच्छा था, दो बातें पूछना चाहता हूँ। पहला, क्या आपको इससे कुछ सेविंग हुई, तो इसका आंसर, और दूसरा आपको फसल की पैदावार में क्या वृद्धि हुई, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे लिंक हुई है। तो सेविंग का है जो प्रश्न आपने पहले पूछा है, सेविंग में क्या है, 600 something 1 acre उसका अगर अदर प्रोडक्ट की कंपेयर किया जाए मार्केट के इसमें तो 300 to 400 पर एकड़ का इसमें सेविंग आ रहा है। जैसे केले की सर अगर बात करें तो उत्पादन भी इसमें अच्छा है बढ़ के मिला, और जो फ्रूट की जो साइज वगैरह जो क्वालिटी है वो भी इसमें बढ़कर मिला है। तो कुछ अंदाजा बता सकते कितना उत्पादन आपको ज्यादा मिला, जनरली कितना मिलता था जहाँ पे नहीं यूज करते थे और जहाँ यूज करते थे वहाँ कितना मिला? सर मैंने इसमें वाटर मिलन में इसको डाला था मैंने, तो नंबर ऑफ फ्रूट्स अगर देखा जाए तो सर इसमें 1 to 1 branch पे 1 fruit का लगभग इसमें उत्पादन ज्यादा आया था, मुझे मान के चलो 1 to 2 kg का पर प्लांट। हाँ सर, तो टोटल टर्म्स में कितना हो गया आपका टोटल, अगर माना जाए तो सर पर एकड़ का अगर माना जाए तो कम से कम सर 25 to 30% इसका रेट में 25 to 30% क्या इससे बेनिफिट, इसके अलावा क्या बेनिफिट आपका? सर जैसे कि मार्केट में भी देखे तो फिर ह्यूमिक एसिड अलग अलग डालना पड़ता था, तो सर कुंदन में क्या ह्यूमिक एसिड एसिड और सर प्लस में विटामिन सी है सर, तो इनकी कॉस्ट बच जाती है सर, मार्केट से डालने की जरूरत नहीं पड़ती सर इनको। अच्छा,
सर फसल आकर्षक लगती है सर, जो केले की फसल में ज्यादा सर तो उसका उच्च सर अच्छा और वजनदार आता है सर। तो पैदावारी के टर्म्स में कुछ अंदाजा लगाया कितना सर एवरेज प्राइस है सर केले का? सर तो एवरेज चलता है सर, पहले हमारा 14-15 के रास्ते सर हम रुक जाते थे, अभी जो पहली गाड़ी कटी सर उसमें 16 के रास्ते है सर, अभी बढ़ेगी सर उसमें। उसमें जिसमें यूज किया था जिस मतलब आधे प्लांट में उसमें पूरा ग्रीन रहा और बढ़िया उसमें शाइनिंग बढ़िया रही सर। उसका फायदा क्या मिला आपको? फायदा सर रेट, एक तो रेट में जो फ्रूट की क्वालिटी थी चमक जो रहती है उसमें, और जो खरबूजे में जाली जो रहती है उसमें मतलब जाली स्ट्रांग रही सर। तो ट्रेवलिंग में जैसे फ्रूट कहीं जाता आता है तो उसमें व्यापारी को भी लगता है कि स्ट्रांग है तो अपन ज्यादा दूर तक भेज सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया सर। और करेले में जो करेले का तो यहीं पे हमारे यहीं हो जाता है तो अच्छा मतलब रेट अच्छा मिलता सर। तो आपने जो, अब मैं कठिन सवाल पूछता हूँ, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया 600 रूपए 700 रूपए जो भी किया उससे आपको क्या लगता है कि उस 600 रूपए के अगेंस्ट में आपको कितने का फायदा मिला होगा एक्स्ट्रा पर एकड़? एक्स्ट्रा फायदा तो सर अंदाजा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट एलोकेशन करें, अंदाजा क्या फायदा मिला होगा? ओवरऑल पौधा बहुत सुंदर दिखा और फ्रूट भी बहुत अच्छा रहा। ठीक है, लेकिन वो तो फायदा इतना अमाउंट कैसे कर सकता है फार्मर? वैल्यू में ऐसा है कि नंबर ऑफ मनी जो वैल्यू है वो प्लस में क्या रहा है सर? अगर एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते सर, पर कुछ भी मान के चलो कि जैसे 1 एकड़ में 25,000 के समथिंग हो रहा तो प्लस 5,000 प्लस में हो गया 5,000-7,000 आपका 600 के इन्वेस्टमेंट। हाँ बिल्कुल सर, 5,000 का उसमें क्या रहता है सर, एक तो कॉस्ट कम है, उसके बाद प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट में वैल्यू अच्छी है उसकी और क्वालिटी अच्छी है, उसके दाम भी अच्छे उसके मिले। आप कुछ ऐड करेंगे सर? जैसे कि सर देखो पहली बात तो प्रॉफिट डिपेंड करता है रेट पे सर। हाँ ठीक है, कि रेट पे डिपेंड करता है, अगर रेट अच्छी हुए सर तो केले की फसल में सर 10 लाख तक पर एकड़ तक पड़ा, 10,000 पर एकड़ तक पड़ जाता है सर, और कभी रेट डाउन होता 5,000 सर मिनिमम उसका बेनिफिट मिल जाता है सर, क्योंकि सर जो लेबर आते सर देखने के लिए जो तो जो कुछ भी क्वालिटी है सर उसके ऊपर रेट डिपेंड होता है सर, जो पहले देखने आते हैं। सब मेंबर्स के ऊपर छोड़ता हूँ, आप कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अलावा तो आप लोग पूछे। आपसे कि जैसे आपने उपयोग किया है ना, तो क्या लग रहा है आपको कि जो बाकी के आपके किसान भाई हैं तो उनके लिए ये प्रोडक्ट उनकी फायदे के लिए रहेगा, क्या मतलब आपका ओपिनियन है सर? देखिए हमारे हिसाब से तो बेनिफिट रहेगा सर, बाकी किसान की सोच पे डिपेंड करता है सर कि उनको क्या यूज करना है किस यूज करना है सर, तो उसके लिए तो मार्केटिंग करना पड़ेगी सर, मतलब दिखाना पड़ेगा किसानों को कि भाई ये इसका ही फायदा है सर, जितने हमारे से किसान जुड़े सर हमको उनको सजेशन दे सकते, बाकी सबको तो नहीं दे सकते सर। केले में जैसे आपने बड़े अच्छे अनुभव बताए अपने, तो केले की फसल के हिसाब से आपको लग रहा है किसानों को काफी फायदा हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि सर देखिए मार्केट में अगर लेने जाएंगे तो एमिनो एसिड होमिक एसिड लेना पड़ता है सर, इसमें सर कम्बाइन है सर उसके साथ उसमें विटामिन्स भी आ रहे हैं सर, तो वो हिसाब से सर बेनिफिशियल रहेगा सर केले की फसल के। और है सर इसके पाटीदार जी आपका क्या ख्याल? सर मेरा ये सजेशन है कि जैसे नेक्स्ट 2 मंथ के बाद में जनवरी स्टार्ट होने वाला है तो उसमें क्या वाटर मिलन की क्रॉप बनने वाली है हमारे क्षेत्र में, वाटर मिलन उसके बाद खरबूजा है, तो उसमें लास्ट ईयर फार्मरों ने डाला इसमें रिजल्ट भी अच्छे मिले, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपके द्वारा या कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ मीटिंग द्वारा हो जाए और आप किसानों को बता सके तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा सर, और हमारे तरफ से तो हम कोशिश कर रहे हैं सर, पर आप ज्यादा कर आगे आगे आएंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा सर। मतलब प्रोडक्ट काफी अच्छा है, हमें थोड़ा और मेहनत करना है। बिल्कुल सर, अगर आप आपके तरफ से पहल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। थैंक यू। आपको क्या विचार? सर
सर वो फार्मरों को जानकारी तो देना पड़ेगी कि क्या इसका उपयोग है, कैसे उपयोग करना है, किस टाइम पे करना है। फार्मर को जब तक जानकारी नहीं रहेगी उस चीज का उपयोग थोड़ी ना कर पाएगा। जैसे कि मुझे कमलेश भैया ने बताया कि ये प्रोडक्ट आया है भारत का, कुंदन ने मैंने उपयोग किया है, अच्छा रिजल्ट मिला है, तो हमारा एक दूसरे पर विश्वास बना हुआ है। भैया ने बोला है तो हाँ ठीक है, होगा प्रोडक्ट हमें दब, तो मैंने आप मीच के मतलब डाल दिया, उसका फायदा मिला ही। इसी तरह आप भी भरोसा बताइए किसानों को, मतलब आपने पॉजिटिव लीजिए उनको, तो वाकई ऑक्सीजन मिलेगा आपको। महाजन सर आपने महाजन जी आपने इसका केले में उपयोग किया हुआ है, तो वो फर्स्ट जो ड्रिप से आपने केले में दिया था वो उस समय केले की एज क्या थी, और टोटल आप अभी तक के केले में कितने बार कुंदन का उपयोग कर चुके हैं? सर मैंने अभी तक उसको दो बार छोड़ा है सर। पहले जब 3 से 4 महीने का केली थे सर, जब छोड़ा था सर उसमें, तो मैंने सर डिफेंड किया था, मतलब अगर 5 एकड़ कहते सर तो 2.5 एकड़ में किया था, पहले 2.5 एकड़ में नहीं किया था सर, तो जहाँ 2.5 एकड़ में किया था सर मैंने, तो वहाँ के रिजल्ट अच्छे थे सर, पौधे की ग्रोथ अच्छी थी, और जो पौधे को फिर हमने सब मिट्टी हटा के देखी तो जहाँ डाला था वहाँ सफेद जोड़ों की संख्या ज्यादा थी सर, और पौधे की हाइट बड़ी थी, और पौधे की जो नई लीफ निकल रही थी सर उसमें पौधे की चौड़ाई, पत्ती की चौड़ाई ज्यादा थी सर, और नंबर ऑफ लीफ केले की ज्यादा थी सर, और ग्रीननेस था सर पौधे में, और इधर थोड़ा येलो टाइप था सर जिसमें नहीं डाला था उसमें। दूसरी बार कितने दिन में उपयोग किया था सर आपने? सर 6 महीने बाद सर। पंडिता साहब आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, आपने एक बात कही थी कि कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाती है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, ये खराब नहीं होता जल्दी, है ना? तो क्या खरबूज में आपने चीज महसूस की? नहीं सर, मैंने तरबूज में इसको डाला था, खरबूजा मैंने लास्ट ईयर सोइंग नहीं किया था जी, मेरा इस साल प्लान है खरबूजा लगाने का। जैसे मैं छिंदवाड़ा के रहने वाला हूँ, तो छिंदवाड़ा में क्या होता है गाड़ियां मुंबई तक जाती है, बिल्कुल सर, तो खरबूज और तरबूज मुंबई तक जाता है, तो बहुत सारे इसमें हमने ये महसूस किया कि खराब हो जाता है जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने नई चीज बताई कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी इसमें बढ़ जाएगी सर इसमें। खरबूजा में तो क्या रहता है कि सर लॉन्ग टाइम कीपिंग क्वालिटी अच्छी रहेगी, क्योंकि वाटर मिलन में तो क्या रहता है हार्डनेस रहता है उसका, ऊपर का जो चमड़ा रहता है जी, खरबूज में नहीं रहता, खरबूज में कम रहता है, इसके यूज करने से उसकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाएगी सर जी जी। ठीक है, बहुत बड़ी लर्निंग है हमारे लिए कीपिंग क्वालिटी का, थैंक यू। और कोई है जिनको क्वेश्चन पूछना है? एक क्वेश्चन एक्चुअली केले में मैंने भी काफी विजिट किया है, हो सकता है शायद आपसे मुलाकात नहीं हो, लेकिन मैं छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, केले में मतलब मेन आपका जानना क्या रहता है, आपको क्या लगता है कि इससे केले अगर इस तरीके से अगर आता है या कुछ भी थिकनेस है या कोई भी चीज है जहाँ पहले का साइज आपको लगता है क्या है, तो वहां क्या परिवर्तन आप देखना चाहेंगे जिससे आपको लगता है कुंदन अच्छा काम कर रहा है, ऐसी कोई चीज है आपको जो स्पेसिफिक दिखती है केले के अंदर, जैसे केले का पहला है आपका जो है अभी इसमें फिलहाल में सर ऐसा क्या है कि अभी बंच निकालना स्टार्ट हो गए तो केले के फ्लावर लगाना, उस समय भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं सर। अच्छा, फूल निकालने की संख्या होगी तो वादा अपने आप उसका अच्छा आएगा सर। अच्छा ठीक, तो मैं इसमें 1 एकड़ में अभी सर मैंने करने का भी मन बना रहा हूँ केले में। अच्छा, 1 एकड़ मेरे पास 12,000 प्लांट लगे हैं केले के सर। अच्छा तो मैं सोच रहा हूँ 1 एकड़ में इसको यूज करके देखो उसका क्या रिजल्ट आने वाले सर, तो बराबर डेफिनेटली सर आना चाहिए इससे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। जैसे बता रहे थे ग्रीननेस के बारे में, जो ग्रीननेस जिस करेले में थी और जिस करेले में ग्रीननेस नहीं थी, यानी जो दूसरे आपके आसपास के खेत वालों ने सेल किया होगा, रेट में पर केजी कितना अंतर आपको व्यापारी बोलता है इसके लिए? रेट में सर 50 पैसे 1 रुपए तक तो ऊपर नीचे हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है किलो किलो, और मतलब आगे से ही मतलब वो अपने को कॉल करता है, रिकमेंड करता है कि आपका कब हार्वेस्ट हो रहा है करेला। अच्छा, ये पर के जी 50 पैसे से 1 रुपए का फर्क पड़ता है, वो तेजी मंदी के ऊपर है सर थोड़ा, कितना क्या फर्क आ रहा है, सेल जल्दी हो जाता है। 1 एकड़ में लगभग कितना का लगभग मोटा मोटा उत्पादन पे जो आप सेल करते हैं 1 एकड़ में कितना फर्क पड़ता है इसमें? इसमें करेले में जी, करेले में तो केस नहीं किया सर। अगर माना जाए तो मार्केट करेले में कुछ अगर एवरेज निकाला जाए तो 60 से 70 क्विंटल तक एवरेज आता है उसका, अगर आज 10 रुपए कोई ले रहा है तो अगर इसमें डालने से व्यापारी अट्रैक्ट हो रहा है, 1 केजी इसमें सीधा सा पड़ रहा है,
का प्लस करेंगे इसमें कितना अपना आप प्रॉफिट हो रहा है सर। जो उत्पादन भी बढ़ के आएगा रेट भी बढ़ के मिलते हैं सर इसमें। सिर्फ क्वालिटी में थोड़ा अच्छा है आपने बताया, सिर्फ जो एक्स्ट्रा प्राइस मिल रहा है जो वजन बढ़ा वो अलग है, आपने बोला ना क्वालिटी का और जो प्लस दो रेट आई दोनों प्लस आ रहा है ना सर। रेट तो अलग है लेकिन क्वालिटी क्वालिटी में ही आपको 3000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा।